दोस्तों राखी सावंत ने किया है जावेद अख्तर के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा, और दोस्तों उन्होंने ये एक इंटरव्यू दिया है दोस्तों, वो क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। और दोस्तों उन्होंने क्या कहा है कि जावेद अख्तर ने उन्हें फ़ोन करके क्या कहा, तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो में बने रहे। पहले मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद फिर आपको वीडियो भी दिखाऊंगा उसका इंटरव्यू का क्लिप। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो दोस्तों, क्योंकि देखो दोस्तों आपको सारी अपडेट टीवी एंटरटेनमेंट की, बिग बॉस से जुड़ी हुई और भी सभी खबरें आपको यहीं पर बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मसालेदार तरीके से आपका भाई देते रहता है। तो दोस्तों इस बार राखी सावंत बिग बॉस 14 में गई थी, वहाँ पर दोस्तों उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब लोकप्रियता मिली और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उनको फेमस हुआ, चाहे वो अपने कंट्रोवर्शियल बहुत दिए गए उनके बयानों से या उनके ऐसे ऐसे कृत्य से भी उन्हें ऐसे मिली ख्याति। लेकिन दोस्तों एक और उन्होंने जावेद अख्तर से जुड़ी हुई बहुत बड़ी बात का खुलासा किया। तो दोस्तों राखी सावंत ने एक इंटरव्यू में अभी हाल फिलहाल में बताया कि लॉकडाउन से पहले जावेद अख्तर जी ने उन्हें फ़ोन किया था। जी हाँ दोस्तों, और क्या कहा था वो मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। तो दोस्तों दरअसल दोस्तों लॉकडाउन से पहले जावेद अख्तर ने उन्हें लगभग एक साल हो गए उन्हें फ़ोन किया था और कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर एक बायोग्राफी लिखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर एक फिल्म बने, तो उसके लिए तुम्हें मेरे पास मिलने आना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों राखी सावंत ने कहा कि मैं अभी नहीं आ सकता, मतलब उन्होंने कहा कि मैं आऊँगी सर, लेकिन वो फिर नहीं आ पाई, उन्होंने कहा फिर लॉकडाउन हो गया और ऐसा हुआ। दोस्तों इस बात में आपको अगर सच्चाई लगती है तो आप भी अपना व्यू कमेंट में बताएं, और दोस्तों क्या आपको सच में लगता है कि राखी सावंत के ऊपर बायोग्राफी बननी चाहिए, तो दोस्तों ये भी बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।